यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिंस गेमिंग जीटीएक्स। सो आज हम लोग ये स्ट्रे का पार्ट 2 खेलने वाले हैं। इससे पहले भी हमने इसका पार्ट 1 बना रखा, अगर आप नहीं देखा तो जाके हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, ये इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हम ये जा रहे थे और अपने दोस्तों से ये जो कैट है ये बिछड़ जाती है, और बिछड़ने के बाद ये यहाँ पे आ जाती है और ये इसी रोबोट को मदद करती है। तो आज अब इसी के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो ये हमारे पीठ पे आके बैठ चुका है और हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें की दिखा रही है कि की से हम लोग अपना कोई भी हो आगे का अपना खोल सकते हैं। तो यहीं से हम लोग, ये हमारे हेल्प कर रहा है ये खोलने में, और ये फाइनली इस डोर को खोल दिया। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, अब हम लोग टॉर्च टॉर्च से इसको बाल लेते। देखिए ये डोर तो खुली नहीं, तो अब आगे की तरफ देखते हैं कहाँ से आखिर हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि ये जो घर है ये पूरी तरह से लॉक है। तो ये कोड हमें मिल चुकी है, यहाँ पे कोड है 374 और एक और उधर 8 है। तो चलिए हम लोग अपने यहाँ पे चढ़ के कोड करते हैं 3748, 374 और 8, और ये हमारी कोड एक्सेस हो गई। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं बाहर। तो ये हमें हेल्प करने में हमारी मदद कर रहा है, और चलिए इसी के साथ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत एक्साइटेड है क्योंकि लगता है ये आज तक बाहर अपने कमरे से निकला ही नहीं था। ये जो साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट से हमेशा अंदर ही लगता था। अब देख सकते हैं गाइस नीचे का क्या हाल है पूरी तरह से, और ये कितने एंजॉय करते हुए आराम से बकेट में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह चल गई। अच्छा ओके, ये बता रहे कि ये आउटसाइड है। ओके ये बोला है कि ये पहले भी यहाँ आ चुका है, ये मुझसे पूछा है कि मैं कभी आया हूँ। तो ये पोस्ट कार्ड ये ले लिया है। चलिए इसका कुछ मेमोरी रिकवर्ड हुआ है, इट मीन इसका तो पूरा डाटा करप्टेड हो चुका था और ये शायद मर भी चुका था। तो इसको हमने बचाया है, और बचाते हुए इसके मेमोरी का भी कुछ रिस्टोर करने में हेल्प किया। तो अभी 3% से भी रिस्टोर हुई है, बाकी इसके 100% होनी ज़रूरी है। तो आप व्यू देख सकते हैं गाइस, ये वही रोबोट रैट है जो इससे पहले हमारे पीछे पड़ी थी और पार्ट 1 में हमें बहुत भगाया था। यहाँ तो कोई आदमी दिख रही है। हाँ ये स्लम एलिया है, और ये तो आदमी नहीं, हमने गलत है, ये तो रोबोट ही है। ओए भाई साहब क्या है, देख के डरते हो, कभी जैसे बिल्ली नहीं देखा तुमने? ये तो डर के भाग गया, डर के भाग गया, या हमें लॉक करके भाग गया। ये क्या हो रहा है भाई, मैं कोई भूत वूत हूँ क्या जो देख के सब कोई भागे जा रहे हैं? जितने भी रोबोट है सब भागे जा रहे हैं।
लगता है कभी इसने लाइफ में या तो बिल्ली देखी नहीं है या तो बिल्ली से ही लोग डरते हैं। ये पूरी रोबोट सिटी है और ये तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे मैं इन्हें आया हूँ मारने के लिए। ये क्या पूरे चौड़े में हो भाई साहब, निकल लो नहीं तो तेरे को यहीं पे उल्टा लटका के तेरे उल्टा पिल्टा ढेला कर लूँगा। भाई साहब ये तो मुझे अपने बस में कर लिया। क्या ही बातें कर रहा है, तो समझ नहीं आ रहा। और ये तो B12 बहुत ही इंटेलिजेंट ये रोबोट है, ये इसके बातें को समझ पा रहा है। ये गार्डियन है यहाँ का और ये रक्षा कर रहा है और इसलिए डर रहा है। अब फाइनली ये हमारा वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। पहले तो ये डर रहा था लेकिन अब ये तो आप फैमिली लग रहा है। तो ये अपने गांव के जितने भी आदमी सबको बुला रहा है, सॉरी गाइस आदमी नहीं रोबोट आदमी को बुला रहा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी है सभी रोबोट ही है। देख सकते हो कैसे डर के निकल रहे जैसे मैं इन्हें आया हूँ मारने के लिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मुझसे इतना डर ही क्यों रहा है। मैं तो इतना सा क्यूट सा नन्हा सा छोटा सा बिल्ली, मैं खुद यहाँ फंस गया हूँ आगे। तो ये कह रहा है कि ये पोस्ट कार्ड इसे शो करके दिखाते हैं सारी ये हमारी हेल्प कर सके कुछ। ओके तो हमें वहाँ पे जाना है, वहीं पे जाके हमें आगे पता चलेगी कि हमें करना क्या है। तो B12 से हेल्प मांगते हैं। ओके तो हमें वहाँ पे जाके किसी मोमो से बात करना है। मोमो ये कैसा नाम है, अरे मोमो खाने वाला होता है। चल कोई नहीं, मोमो से बात करना है, वही हमें आगे की बात को बताएगा। लगता है यही मोमो है भाई साहब है। चलिए मोमो भाई साहब के पास चलते हैं। ये तो मोमो नहीं, ये तो मिट्टू है। लगता है बगल का भाई है क्या। ये कौन है भाई साहब, तो ये अच्छा है काट का, कहीं पे भी अपने निशानी छोड़ते जाता है। यहाँ पे कुछ तो था तो ये चलिए ले लेते सारी, ये कुछ काम का हो। सो गाइस यहाँ तो टीवी वगैरह लगी हुई है, अभी तक हमें मोमो मिला नहीं है। यही वही है मोमो क्या।
सो गाइस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और यही लगता है वो मोमो है जिसे हमें मिलना था, जो गार्डियन ने हमें बताया था। ये तो पूरा हंकी फंकी एकदम पूरा एक, इसका टीवी बेचारे का नहीं चल रहा। ये बेचारे बहुत अकेला है, जो सैड सैड है। यस बेचारे का इसके फ्रेंड लोगों ने सब कुछ छोड़ के ऐसे चल गया। सो गाइज आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। ये मोमो ने हमें बताया है कि हमें एक ट्रांस रिसीवर खोजना होगा। ट्रांस रिसीवर खोज के इसके जो है जो फ्रेंड है, ये इस बेचारा बहुत ज़्यादा सैड है, तो इसके फ्रेंड को हमें इसके पास वापस आना होगा ताकि ये खुद से हो जा पाए और हमारी और थोड़ी मदद कर सके यहाँ से निकलने में। तो आप हम लोग हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना पूरा प्यार दिखाइएगा। तो हम लोग अपनी आगे की जर्नी इसी कैट के साथ करेंगे। तो आज के वाले वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।